अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने लगे हैं वर्कशीट का सवाल नंबर 3। तो आइए देखिए, मिसाल देखकर इसम मारफा लगाएं। बच्चों, यहाँ हमारे पास इसम नकरा मौजूद हैं और ख़ाली जगह में हमने क्या लगाना है, इसम मारफा लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। वो शहर से आया। नंबर 2, चलो बाग की सैर करें। नंबर 3, दरिया में बहुत पानी है। नंबर 4, इसने मीनार देखा। नंबर 5, मुल्क खुशहाल है। नंबर 6, तोता टैंटे करता है। नंबर 7, मैंने किताब पढ़ी। नंबर 8, लड़का बहुत अच्छे नक्कूश बनाता है। नंबर 9, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। नंबर 10, इतवार को स्टोर बंद होता है। अब बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, तो यहाँ हमारे पास इसम नकरा मौजूद हैं और यहाँ हमने क्या लगाना है, इसम मारफा लगाना है। आप लोगों को पता है कि इसम मारफा क्या होता है, किसी भी ख़ास शख्स, किसी भी ख़ास चीज़ या किसी भी ख़ास जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जी बच्चों, वो शहर से आया, वो कराची से आया, यहाँ हमने खसूसी जगह का नाम लगा देना है। नंबर 2, चलो बाग की सैर करें। चलो जिना बाग की सैर करें, ठीक है, खसूसी जगह का नाम लगा दिया, यहाँ किसी और पार्क का नाम भी लिख सकते हैं। नंबर 3, दरिया में बहुत पानी है, रावी दरिया में बहुत पानी है। नंबर 4, इसने मीनार देखा, इसने मीनारे पाकिस्तान देखा, ठीक है। मुल्क खुशहाल है, पाकिस्तान खुशहाल है। आगे है, तोता टैंटे करता है, यहाँ हमने खसूसी तोते का नाम लिखना है, मिट्ठू टैंटे करता है। मैंने किताब पढ़ी, किताबें तो बहुत सारी होती हैं, हमने खसूसी चीज़ का नाम लिखना है, मैंने कुरान पाक पढ़ा। लड़का बहुत अच्छे नक्कूश बनाता है, अहमद बहुत अच्छे नक्कूश बनाता है। अहमद क्या है, इसम मारफा है, खसूसी शख्स का नाम। आगे है, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ, इसे फौरन जिना अस्पताल ले जाओ। इतवार को स्टोर बंद होता है, इतवार को रहीम स्टोर बंद होता है। तो जी बच्चों, हम लोगों ने इसम मारफा खाली जगह में लिख दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।